हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया इन हिंदी पर। और आज हम जानेंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से भारतीयों को अपना घर क्यों छोड़ना पड़ रहा है। माइग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट जैसी टर्म से हम सभी फैमिलियर हैं। बहुत से लोग जॉब्स, स्टडीज, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स जैसे रीजंस की वजह से एक जगह से दूसरी जगह रहने जाते हैं। पर आपको जान के बहुत सरप्राइज होगा कि हमारी कंट्री इंडिया में डिस्प्लेसमेंट्स का रीजन इनमें से कोई भी नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा रीजन है जिसको जनरली ज्यादा सीरियसली लेते भी नहीं है। वो रीजन है क्लाइमेट चेंज। हम इस पर इतना ध्यान नहीं देते, पर हमारी कंट्री में क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है। और कई जगहों पर सिचुएशन इतनी बुरी हो गई है कि लोगों को उन जगहों को छोड़कर जाना पड़ रहा है। अभी रिसेंटली यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस की पूरे वर्ल्ड में डिस्प्लेसमेंट्स और उनके कॉजिंग फैक्टर्स को लेकर एक रिपोर्ट आई है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ ईयर 2021 में इंडिया में करीब 5 मिलियन यानी कि करीब 50 लाख लोग इंटरनली डिस्प्लेस हुए हैं। और इन डिस्प्लेसमेंट्स का ये रीजन हमारी कंट्री में क्लाइमेट चेंज और उससे पैदा हुई डिजास्टर्स हैं। UNHCR यानी द यूएन रिफ्यूजी एजेंसी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में हाईलाइट किया है कि ग्लोबली करीब 100 मिलियन लोग यानी कि 10 करोड़ लोग को वायलेंस, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस और फूड इनसिक्योरिटी, क्लाइमेट क्राइसिस, रशिया यूक्रेन के बीच चल रही वॉर और अफ्रीका और अफगानिस्तान की दूसरी इमरजेंसीज की वजह से अपने घरों को वापस जाना पड़ा। IDMC यानी कि इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर के अकॉर्डिंग 2021 में करीब 237 लाख नई इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुई है, जिनकी वजह कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस के साथ ही साथ नेचुरल डिजास्टर्स हैं। हालांकि पिछले साल के कंपैरिजन में करीब 70 लाख कम लोग डिस्प्लेस हुए हैं, जो कि पूरे काउंट का अराउंड 23% है, पर फिर भी ये नंबर बहुत ज्यादा है। और सबसे ज्यादा चिंता का विषय ये है कि इन डिस्प्लेसमेंट्स में हमारी कंट्री टॉप कंट्रीज में है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 में डिजास्टर्स की वजह से सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट्स चीन में हुए, जहां करीब 60 लाख लोग डिस्प्लेस हुए हैं। उसके बाद सेकंड पोजीशन पर फिलीपींस, जहां करीब 57 लाख डिस्प्लेसमेंट्स हुई हैं। और थर्ड नंबर पर है हमारी कंट्री इंडिया, जहां करीब 50 लाख लोग डिस्प्लेस हुए हैं। हालांकि रिपोर्ट का कहना है कि इससे डिजास्टर की वजह से हुए मोस्टली डिस्प्लेसमेंट टेम्परेरी हैं और शॉर्ट टर्म के लिए हुए हैं। इन इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोगों में से मेजॉरिटी लोग अपने घरों को वापस चले गए थे, पर करीब 49 लाख लोग 2021 के अंत में डिजास्टर्स की वजह से वर्ल्ड वाइड डिस्प्लेस्ड रहे थे। यूएन की इस एजेंसी का कहना है कि पिछले कुछ डेकेड्स में जबरदस्ती अपने घरों को भेजे जाने वाले लोगों की संख्या इंक्रीज हुई है, और इस ट्रेंड को सिर्फ पीस मेकिंग की तरफ नए कॉन्क्रीटेड पुश की हेल्प से ही रिवर्स किया जा सकता है, वरना आने वाले सालों में ये नंबर सिर्फ बढ़ते ही जाएंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस डायरेक्शन में इंटरनेशनल लेवल पर वेरियस कंट्रीज क्या क्या स्टेप्स ले सकती हैं? कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस जरूर देखें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।